हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जो अब इंडिया में स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जो अब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज है 5 जुलाई। आज की डेट में जो है अलग अलग न्यूज़पेपर पे, साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट में जो है UPNHM की तरफ से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर से वैकेंसी आ चुकी है। वाकई इंटरव्यू के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, UPNHM से जो है संविदा पर MBBS के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जी हाँ दोस्तों, UPNHM नई भर्ती 2024। दोस्तों, UPNHM की तरफ से विभिन्न पदों पर 18 पदों पर फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर से वैकेंसी निकाली गई है। तो जॉब लोकेशन आप लोगों का कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट होने वाला है। दोस्तों, वॉक इन इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। वॉक इन इंटरव्यू जो है 19 जुलाई 2024 को होने वाला है। तो UPNHM की तरफ से वेरियस प्रोग्राम वेरियस पोजीशन में वैकेंसी आ चुकी है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, संविदा पर वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या है, कार्यक्रम का नाम क्या है, इसके साथ ही सैलरी कितनी मिलेगी, इंटरव्यू कहाँ पे होगा, वॉक इन इंटरव्यू डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और किस न्यूज़पेपर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैंने पूरी कटिंग ले रखी है, बिना प्रूफ के मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे देखिए, जॉब इंडिया पर कोई भी अपडेट मिलेगी, सबसे पहले अपडेट बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पे दी जाएगी। नई वैकेंसी है UPNHM की तरफ से MBBS के लिए, यानी कि डॉक्टर चिकित्सक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तानी पेपर बरेली, शुक्रवार 5 जुलाई 2024, पेज नंबर 11 पर आओगे तो आपको सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल मिलेगी। तो हिंदुस्तान ई पेपर बरेली, फ्राइडे 5 जुलाई 2024, पेज नंबर 11 पर। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आपके सामने फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। सबसे पहले देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर, दिनांक 4 जुलाई 2024, पत्रांक संख्या 4903। और यहाँ पे देखिए, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या 179/4150, दिनांक 18 अगस्त 2023, तथा मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या 6132, 30 अक्टूबर 2023 के दिए गए निर्देशानुसार जनपद में रिक्त पदों पर विशेषज्ञों चिकित्सकों की नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से संविदा के आधार पर किया जाना है, जिसका डिटेल्स नीचे दिया गया है। नंबर वन देखिए, मैटरनल हेल्थ आपका कार्यक्रम का नाम है, इसमें महिला चिकित्सक की वैकेंसी है। और तैनाती स्थल यानी कि जॉब लोकेशन के बारे में जानकारी है, पढ़ लेना, इसमें MBBS बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हो। टोटल 1 वैकेंसी है और SC के लिए वैकेंसी है, 70,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। नंबर टू देखिए, कम्युनिटी प्रोसेस टेली मेडिसिन कार्यक्रम का नाम है और इसमें चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी है, इसमें भी MBBS फॉर्म भर सकते हो। 2 वैकेंसी है और दोनों वैकेंसी SC के लिए, 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। बाकी देखोगे तो 180 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शाहजहांपुर आपकी तैनाती स्थल होने वाली है, टेली मेडिसिन हब में। क्लियर है, नो डाउट। चलिए नंबर थर्ड, ब्लड बैंक की वैकेंसी है और ब्लड बैंक में चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी, जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। MBBS प्लस ब्लड बैंक में 1 वर्ष का अनुभव है, फॉर्म भर सकते हो। 1 वैकेंसी UR कैटेगरी में है, 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। NRC में जो है चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी है, जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। MBBS बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हो, 1 वैकेंसी UR कैटेगरी में है, 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एंड आगे देखिए, नंबर 5, NUHM, NUHM में जो है चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी है, अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर एंड अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है आपकी नियुक्ति होगी। MBBS बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हो, 11 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी NUHM प्रोग्राम में है। NUHM प्रोग्राम में जो है 11 वैकेंसियाँ हैं और इसमें भी जो है MBBS बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हो। इसमें देखोगे तो 55,000 बिल्कुल फिक्स सैलरी मिलेगी, तो 55,000 फिक्स सैलरी मिलेगी, प्लस आपको
परफॉर्मेंस के बेस पर आपके कार्य के आधार पर पीबीआई बोनस भी दिया जाएगा। नंबर 6 से एनसीडी में जो है चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी है, और यहाँ पे देखोगे एनसीडी क्लिनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आपकी नियुक्ति होगी। एमबीबीएस फ्रेशर इसमें भी फॉर्म भर सकते हो, एक वैकेंसी है एससी के लिए, 69,300 यहाँ पे सैलरी मिलेगी। एनसीडी एपिडेमोलॉजिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, एनसीडी सेल में आपकी नियुक्ति होगी, एक वैकेंसी है। एमबीबीएस तथा 3 वर्ष का अनुभव है तो आप लोग एनसीडी एपिडेमोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। टोटल 18 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, नो डाउट 18 वैकेंसी निकाली गई है। और यूआर कैटेगरी में देखोगे तो यूआर कैटेगरी में जो है 6 वैकेंसियाँ हैं, एससी के लिए 7 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी एससी के लिए रखी गई है। बाकी आगे यहाँ पे देखिए, आगे दोस्तों आप लोग देखिए, उपरोक्त समस्त पदों पर वॉक-इन इंटरव्यू जो है दिनांक 19 जुलाई 2024 को पूर्वाहन 11 बजे से कलेक्ट्रेट शाहजहांपुर के मीटिंग हॉल में संपन्न होगा। इच्छुक अभ्यर्थी वॉक-इन इंटरव्यू के समय नवीनतम बायोडाटा समस्त वांछित मूल अभिलेखों के साथ है, 100 प्रमाणित अभिलेखों की छाया प्रतियों के 2 सेट के साथ है वॉक-इन इंटरव्यू में प्रतिभाग किया जा सकता है। और भी आगे बेसिक डिटेल्स मैं भी आपको बताऊंगा, नो डाउट। यहाँ पे बताया गया है कि उपरोक्त समस्त पद संविदा शर्तों के अधीन है, इन पर अस्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अनुरूप मानदेय परिवर्तित हो सकता है। यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं तो वाक इंटरव्यू में प्रतिभाग करने हेतु एनओसी जो है आप लोग दे सकते हो। उपरोक्त पदों पर नियुक्तियां जो है संविदा के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिए की जाएगी। राज्य स्तर के अनुमोदन के उपरांत आपकी जो ड्यूरेशन है एक्सटेंड यहां पे कर दी जाएगी। अभ्यर्थी की जो आयु है, अभ्यर्थी की जो एज क्राइटेरिया है, विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर। तो दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर से जो है यूपी एनएचएम के अंडर में संविदा पर 18 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एमबीबीएस के लिए वैकेंसी है, एमबीबीएस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, और इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी महिला चिकित्सक को दी जाएगी, 70,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा एनसीडी चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, और इसमें जो है 69,300 रुपये सैलरी दी जाएगी सभी पोजीशन के लिए, ऑल पोस्ट के लिए। सभी पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, ये जो आप लोगों का 7 प्रोग्राम है और 7 पोजीशन है, इसमें जो है एक साथ इंटरव्यू होगा, और 19 जुलाई को जो है 11 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और कहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो कलेक्ट्रेट शाहजहांपुर के मीटिंग हॉल में जो है आपका इंटरव्यू होगा। थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कैसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।